नमस्ते दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं काल भैरव मंदिर का इतिहास। काल भैरव मंदिर उज्जैन यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुर्दा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या है राज, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह भी खुदवाई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद वे काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। कब से शुरू हुआ ये सिलसिला, आइए जानते हैं। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। काल भैरव की प्रतिमा के मदिरा पान करने का रहस्य। मदिरा पान करती काल भैरव की प्रतिमा, क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है, बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशेष मंदिर, काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल, प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, उससे पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदी। जब हमने दुकानदार से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा, देसी मदिरा जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। जानकारी लेने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की टोकरी थी। इस टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल भी जरूर नजर आ रही थी। हम मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि बाबा कैसे मदिरा का पान करते हैं। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाल महाराज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में ही एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा की मूर्त के मुंह से लगा दिया। और यह क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बची। तो यह था काल भैरव मंदिर का रहस्य। देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।